मांग से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ये बयान बताता है कि भाजपा छत्तीसगढ़ी और किसानों से कितनी नफरत करती है। थूकने का मतलब होता है घृणा करना अथवा नफरत करना। ये किसानों की सरकार है, मेरे सहित मंत्रिमंडल के अधिकतर साथी पहले किसान हैं। ये किसानों, ओबीसी वर्ग और छत्तीसगढ़ियों का अपमान है। भाजपा का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व किसानों और छत्तीसगढ़ियों को नफरत के लायक ही समझता है। पहली बात तो ये है कि थूकने का मतलब यह है घृणा करना, नफरत करना। ये थूकने का अर्थ होता है कि आप कितना घृणा करते हैं, कितनी नफरत आपके मन में है लोगों के प्रति। और दूसरी बात ये है कि ये सरकार किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री, मैं तो बाद में हूं, किसान पहले हूं, और इन्होंने किसानों को थूकने की बात कही है। किसानों के प्रति इनके पार्टी की भावनाएं क्या है पूरे देश देख रहा है। बेहद दुर्भाग्यजनक, आज इस बयान के बाद तीसरा दिन है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई खंडन नहीं आया, उसके तरह से कोई बयान नहीं आया, उनके तरह से कोई माफीनामा नहीं आया। इसका मतलब यह है न केवल पुरंदेश्वरी देवी जी बल्कि समूचे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई सहित राष्ट्रीय नेतृत्व भी ये सोचती है कि ये किसान नफरत के लायक है, ये छत्तीसगढ़ियां नफरत के लायक है, इसका हम विरोध करते हैं। एक और जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस